रहमान रहीम, दिस इज़ आमना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान कौन है? शेख मुजीबुर रहमान 1920 में पैदा हुए हैं। कहाँ पर पैदा हुए हैं? इस टाइम जो बांग्लादेश है ना, उस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट था गोपालगंज, उसके छोटे से एक विलेज में ये पैदा हुए थे। अब डायरेक्टली इधर उधर की बातें करने से बहुत बेहतर है कि मतलब इनकी एजुकेशन ये वो उसकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये पॉलिटिक्स में किस तरह आए हैं। तो इनका जो रोल है 1947 पाकिस्तान बनने से पहले भी ये पॉलिटिक्स में थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी इनका एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है पॉलिटिक्स में, स्पेशली बांग्लादेश बनने की पॉलिटिक्स में। बंगालियों के साथ इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 1947 से पहले जो इनकी पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो 1947 जो इनकी पॉलिटिक्स थी वो बेसिकली इनिशली शेख मुजीबुर रहमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ मुंसलिक थे, एसोसिएटेड थे और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप कह सकते हो कि एक सेंट्रल रोल प्ले उन्होंने किया क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में। अब इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी मुस्लिम लीग में वो एक तरह से उनकी आप ये समझें कि भाई उनके पॉलिटिकल कैरियर के अर्ली स्टेजेस थी, ठीक है। जैसे कि ये बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान आप समझें कि किसकी शागिर्दगी में आए थे। उस वक्त उनका नाम भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, हुसैन शहीद सहरवर्दी। ये बेसिकली आप समझे कि मेन लीडरशिप में थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, ठीक है। और इनकी शागिर्दगी में मतलब इनकी सपोर्ट से शेख मुजीबुर रहमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा बने थे। जब शेख मुजीबुर रहमान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया कि इनकी बहुत अर्ली एज थी। अर्ली एज का मतलब ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्टूडेंट विंग था ना, उसका स्टूडेंट विंग शेख मुजीबुर रहमान ने उसको ज्वाइन किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन जिसका नाम था। तो ये बेसिकली इनकी पार्टिसिपेशन थी पाकिस्तान के मूवमेंट में। इस तरह से अगर इस तरह हम लोग देखें तो सेपरेट नेशंस फॉर मुस्लिम्स इन सब कॉन्टीनेंट, उसमें भी शेख मुजीबुर रहमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको नज़र आएगा। शेख मुजीबुर रहमान का इस बात पर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बिलीफ था कि अगर एक अलग से मुस्लिम रियासत मिल जाएगी तो मुसलमानों के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स जो उनसे वो सिक्योर हो जाएंगे और सेफ गार्ड एक तरह से उनको मिल जाएगा। तो इसलिए कोई भी कम्पेन होती, कोई भी एक्टिविटीज़ होती जो कि मतलब पाकिस्तान एक नया स्टेट बनने की तरफ जाती हैं, तो आप उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करते थे। अब शेख मुजीबुर रहमान जो उनसे थे, इनको एक छोटी सी गलत फहमी थी। देखें, जो क़रारदाद लाहौर जो मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 में, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, मतलब अगर आप उसका हिस्ट्री से निकाल के, किसी वेबसाइट से निकाल के उसका टेक्स्ट पढ़े ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि मुस्लिम स्टेट्स के क़याम का जिक्र किया हुआ था। स्टेट नहीं बल्कि स्टेट्स का जिक्र किया हुआ था। तो शेख मुजीबुर रहमान को लगता था कि भाई दो पाकिस्तान की स्टेट्स बनेंगी, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए वो मतलब बड़े जोश खरोश से सब कुछ कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि भाई हम लोग जो बंगाली हैं उनके लिए हम मतलब बहुत कुछ कर सकेंगे और वहाँ पर मतलब मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इस वक्त ये भी आपको बता दूं कि ये वो टाइम था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था और उस वक्त हुसैन शहीद सहरवर्दी जो थे वो बंगाल के नए वज़ीर आज़म जो थे वो मतलब बना दिए गए थे। इसके अलावा अब शेख मुजीबुर रहमान जो उनसे थे वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे हुसैन शहीद सहरवर्दी की, क्योंकि इनकी सपोर्ट से ही वो बहुत ज़्यादा आगे गए थे पॉलिटिक्स में, ऑल इंडिया मुस्लिम को ज्वाइन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने पर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उस वक्त। और लेकिन इसके साथ साथ वो उनको थोड़ी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही थी स्टिल। अब वो कन्फ्यूजन क्या थी? अब एक नई रेजोल्यूशन सामने आती है जिसमें लिखा होता है, वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है स्टेट, स्टेट्स नहीं लिखा होता। अब जब स्टेट का वर्ड सामने आता है तो शेख मुजीबुर रहमान अगैन इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं कि भाई क्या बंगाल जो सा है और मतलब कि मशरक़ी बंगाल, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, क्या ये अलग अलग से मुल्क नहीं होंगे? मतलब उन्होंने इस तरह अपने लीडर्स के सामने ये चीज़ें रखी। तो उनके लीडर्स में से ही कुछ ऐसे कह रहे थे कि नहीं नहीं वो अलग अलग ही हैं, मतलब एक मुल्क नहीं बनेगा बल्कि अलग अलग ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उस वक्त से ही इनमें थोड़ी सी इन्फ्यूज़ की गई थी एक तरह से। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ शेख मुजीबुर रहमान ने देखा कि भाई उनके जो लीडर्स हैं हुसैन शहीद सहरवर्दी और इसके अलावा ख्वाजा निज़ामुद्दीन, वो बड़े मतलब कि खुले दिल के साथ पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर चुके थे। मतलब कि जब ये डिक्लेयर हो गया कि भाई पाकिस्तान एक स्टेट होगा जिसमें ईस्ट और वेस्टर्न विंग जो होगा वो एक ही कंसिडर होगा, ठीक है, मतलब कि एक स्टेट होगी। जब उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो तब शेख मुजीबुर रहमान को भी लगा कि भाई मुझे भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो खुले दिल के साथ उन्होंने पाकिस्तान को एक स्टेट के तौर पर कंसिडर किया। तो यहाँ तक इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है जी। 1947 से पहले तक शेख मुजीबुर रहमान के मतलब बड़ा इनका एक पॉजिटिव रोल रहा पॉलिटिक्स में। अगर 1947 के बाद हम लोग देखें, पाकिस्तान बनने के बाद इनका किस तरह का रोल था। अब जैसे ही पाकिस्तान बना है तो आपको पता है कि भाई प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, लैंग्वेज का इशू था और बंगाली जो उनका उनकी रिप्रेजेंटेशन का इशू था और कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन का इशू था। तो शेख मुजीबुर रहमान का जो पॉलिटिकल फोकस था वो शिफ्ट हो गया किस तरफ, जो भी डिस्पैरिटीज़ थी, जो भी इश्यूज फेस किए जा रहे थे बंगाली पॉपुलेशन से, उनको एड्रेस करने की तरफ फोकस हो गया। क्लियर। तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी ऑब्जर्वेशन से जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ थी उनको देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ईस्ट पाकिस्तान के पास अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। उन सबको देखते हुए उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया। तो 1949 में पाकिस्तान बनने के ठीक 2 साल बाद क्या होता है कि एक पार्टी बनती है, अवामी मुस्लिम लीग पार्टी बनती है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद एक पार्टी आपको नज़र आएगी बनती हुई, कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान में, किस नाम से, अवामी मुस्लिम लीग के नाम से। और जैसे ही वक्त गुजरता है थोड़े अरसे बाद इस पार्टी का नाम अवामी लीग रख दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। अब ये पार्टी किसने बनाई थी? क्या ये पार्टी शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी? नहीं, शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ इसमें हुसैन शहीद सहवर्दी भी इन्वॉल्व थे, इसके अलावा मौलाना भाषानी, इन दोनों जैसे अहम जो लीडर्स थे वो भी इस पार्टी का हिस्सा थे। तो शेख मुजीबुर रहमान इस पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब पहला काम इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने काम ये किया है कि इसने आवाज़ें उठाई हैं और कहा है कि आप जो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और मतलब जो वो पॉलिसी पेश कर रहे थे कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। इसके अलावा बंगाली नेशनलिज़म और जितनी भी राइट्स थी और ऑटोनमी थी बंगालियों की, उसके लिए भी इन्होंने आवाज़ें उठा। थोड़ा वक्त गुजरने के साथ ये जो पार्टी थी ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती गई। कैसे कि इसमें मज़ीद जो पॉलिटिशियंस थे वो भी शामिल हो गए, जैसे कि फजलुल हक, वो भी इस पार्टी का हिस्सा बन गए। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप समझें कि भाई ये जो पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उन्होंने बंगाल की असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ा और ये लोग जीत गए। इस इलेक्शन में इनको, इस पार्टी को तकरीबन 97% वोट मिले। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग को सिर्फ 3% वोट मिले थे। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनको कितनी ज़्यादा कामयाबी मिली थी इस पार्टी। अब होना ये चाहिए था कि भाई ये जो पार्टी जो भी डिमांड्स रखेगी वेस्ट पाकिस्तान के सामने, उनको उनको मानना चाहिए था क्योंकि इनको काफ़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इलेक्शंस हुए हैं तो इन इलेक्शंस के नतीजे में ए.के. फजलुल हक, जिन्होंने करारदादे पाकिस्तान भी पेश की थी, वो मशरक़ी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने और 15 मई 19 जून को मशरक़ी पाकिस्तान की कबीना का उन्होंने हलफ उठाया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को वज़ीर ज़राअत का ओहदा दे दिया गया। और इसके अलावा जब ये इलेक्शंस हुए हैं, ये सब कुछ चल रहा है, तो इन्हीं दौरान क्या हुआ कि भाई कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, कुछ बंगाली और कुछ जो नॉन बंगालीज थे उनमें लड़ाइयाँ झड़पें हुई हैं। मतलब ये प्रोटेस्ट इतने सवेयर लड़ाइयाँ इतनी सवेयर होती चली गई हैं कि भाई 500 से 600 जो लोग थे वो मारे गए। अब क्या होगा जब इतना सब कुछ हुआ है, मतलब इतने लोग एकदम से मारे जाना। तो अब क्या हुआ है कि अब उस वक्त जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे ना, उन्होंने इस पार्टी की जो हुकूमत थी उसको बरतरफ कर दिया। फजलुल हक जो कि बहुत मेन लीडर थे इस पार्टी के, उनको गद्दार करार देकर उनको घर में नजरें बंद कर दिया। ज़ाहिरी बात है ये जो भी कुछ हो रहा था इससे शेख मुजीबुर रहमान के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। ये सब चीज़ें उनके लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं थी क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी पाकिस्तान को अटेन करने में भी। खैर वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ठीक होते गए और वेस्ट पाकिस्तान को भी ये आइडिया हुआ कि भाई इनको बिल्कुल साइड पे करना पॉसिबल नहीं है। ये जो अवामी लीग है इनको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो फजल हक को अगले साल तकरीबन 1956 में 1955 में शायद 1955 में, हाँ मुझे डेट यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज करी है, ये एक दफ़ा आप देख लीजिएगा या मैं आपको दोबारा से इसको देखकर रिकॉल करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, तो उनको पाकिस्तान का क्या बना दिया, वज़ीर दाखिला बना दिया गया। और इसके अलावा 1956 तक फजल हक इस ओहदे पर फाइज रहे। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान को, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना कि आयन साइज़ असम्बली थी, उसके इनको स्पीकर या हेड बना दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो हुसैन शहीद सहवर्दी थे उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो मतलब इनको फिर अहम अहम ओहदे पर बिठाया गया। अब थोड़ा कंट्रीब्यूशन बताती हूँ शेख मुजीबुर रहमान का कि 1956 में पाकिस्तान का जो पहला आइन सामने आता है पाकिस्तान के उसमें भी शेख मुजीबुर रहमान का बहुत ज़्यादा, आप समझो कि बहुत अहम रोल उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए।